मेरे भाइयों, आज की मेरी तकरीर का जो उन्वान है बड़ा अहम उन्वान है। हम और आप ये जानते हैं कि दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उनकी मेहनत का फल उनको मिलता है, और दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते, तो जब काम करते ही नहीं तो उनको फल कहां से मिलेगा, उनको कोई फल भी नहीं मिलेगा। मगर एक तीसरे टाइप के लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, मगर जब उनकी मेहनत का फल मिलने का टाइम आता है तो उनकी सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। किसान है, अपनी जमीन को तैयार करता है, उसमें बीज डालता है, जमीन के अंदर जो भी प्रोसेस है खेती का वो सारा प्रोसेस करता है, खेती में पानी की सिंचाई का पूरा इंतजाम करता है, और सारा इंतजाम और सारी मेहनत करने के बाद जब पैदावार करता है, जब उस खेती को काटने का टाइम आता है, तब क्या होता है? तब पता ये चलता है कि किसान को उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिला, सारी खेती उसकी तबाह हो गई, सारी खेती उसकी बर्बाद। मेरे भाइयों, हम और आप दुनिया में नेकियां करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रमजान का महीना आता है हम रोजे रखते हैं, अल्लाह ताला हमें ताकत देता है हम हज करते हैं, उमरा करते हैं, मदरसों में चंदा देते हैं, मस्जिदों में चंदा देते हैं, गरीबों को जकात देते हैं। जरा सोचो मेरे भाई, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अगर अल्लाह ताला ये फैसला सुना दे, मेरे बंदे जो तू नमाजें पढ़ के आया है, जो तू रोजे रख करके आया है, जो तू ज़कात दे करके आया है, जो तूने चंदा दिया है, जो तूने दान खैरात किया है, मेरे बंदे तेरी सारी नेकियां अब तेरे नाम आमाल में नहीं लिखी जाएंगी, उनको काउंट नहीं किया जाएगा, उनको शुमार नहीं किया जाएगा, तेरी नेकियां तेरे काम नहीं आएंगी। सोचो वो कितना बड़ा बदनसीब इंसान हो। एक इंसान नमाज पढ़ता ही नहीं, कल कयामत की उसको भी कोई सवाब नहीं मिलेगा। एक इंसान रमजान के रोजे नहीं रखता है, जाहिर उसको रोजे का सवाब नहीं मिलेगा, जकात नहीं देता है, जकात का सवाब नहीं मिलेगा, हज और उमरा नहीं किया उसका सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे भाइयों, जिसने ये सारे नेकी के काम किए उसके बावजूद उसको अपनी नेकियों का सवाब ना मिले, उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा, उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा? अल्लाह ने फरमाया, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला अल्लज़ीन दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुना। ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ नबी आप बता दीजिए, सबसे ज्यादा अमल के दीवार से खसारा उठाने वाले, नुकसान उठाने वाले वो लोग हैं जिनकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। वो तो ये समझते रहे कि हम नेकी के काम कर रहे हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं, मगर अल्लाह की बारगाह में उनकी किसी नेकी का सवाब उनको नहीं मिलेगा, सारी नेकियां उनकी बर्बाद हो जाएंगी, अल्लाह क्या वो जीरो हो जाएंगे,
ऐसा क्यों होगा? उलाइकल लजीन कफरू बिआयति रब्बिहिम वलिकाइहि फहबितत आमालुहुम। ये वो लोग होंगे जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया, जिन्होंने अल्लाह से मिलने का इनकार किया, अल्लाह ने उनके अमल को बर्बाद कर दिया। फला नुकीम लहुम यौमल कियामति वजना, कयामत के दिन अल्लाह के तराजू पर उनकी किसी नेकी का कोई वैल्यू नहीं होगा, उनकी किसी नेकी का कोई वजन। जानते हो दुनिया में सबसे खतरनाक तराजू किसका होता है? सुनार का। सुनार के आप जाते हैं, हमारी माएं बहनें जो नाक में नथिया पहनती हैं, सोनार के तराजू पर वो नाक की नथिया भी अगर रख दें तो तराजू बता देता है कि वो नथिया कितने ग्राम 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 का भी जो हजारवां हिस्सा होता है मिलीग्राम, सोनार का तराजू बता देता है कि वो नाक की नथिया कितने मिलीग्राम। अल्लाह का तराजू कैसा होगा मेरे भाई? अल्लाह का तराजू कैसा होगा? अल्लाह का तराजू तो ऐसा होगा, वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुमने दुनिया में जर्रा बराबर भी अगर कोई नेकी का काम किया होगा, तुमने जर्रा बराबर कोई गुनाह का काम किया होगा, अल्लाह के तराजू पर सब नजर आएगा, अल्लाह के मीजान पर सब नजर आएगा। न जर्रा बराबर नेकी छुप पाएगी, न जर्रा बराबर गुनाह छुप पाएगा। अल्लाह का तराजू ऐसा होगा। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे होंगे जिनकी नेकियां कल कयामत के दिन बर्बाद हो जाएंगी, उनकी नेकियां उनके काम नहीं आएंगी, और अल्लाह के तराजू पर जब उनके अमाल को तौला जाएगा तो जीरो लिखा होगा कि इनके अमल का वजन कितना है? जीरो है। इनके किसी अमल का इनको सवाब मिलने वाला नहीं। अब आज की मेरी तकरीर का जो टॉपिक है वो यही है कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे अमल को बर्बाद कर देती है, हमारे अमल को डिस्ट्रॉय कर देती है, हमारे अमल को नष्ट कर देती है, और कयामत के दिन हमारी नेकियां हमारे काम नहीं आएंगी। वो कौन से ऐसे गुनाह हैं? वो कौन से ऐसे गलत काम हैं? वो कौन सी ऐसी बुराइयां हैं जो हमारी नेकियों को खा जाती है? बड़ा अहम टॉपिक है। मुझे मालूम है रात के 2 बज रहे हैं, आपको ये टाइम तकरीर सुनने सुनाने का नहीं है, ये आराम का वक्त है, ये सोने का वक्त है, मगर मजबूरी आपकी है, कुछ मजबूरी मेरी है, कुछ मजबूरी जलसे वालों की है। मुझे 2 बजे रात में बिठाया गया है। मैं चाहता हूँ जितने लोग पिंडाल के नीचे बैठे हैं, अगर आप गौर से आज की तकरीर सुन के जाएंगे, इंशाअल्लाह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं ये तो नहीं कहता कि आप किससे कहानी लेके जाएंगे, आप कोई चुटकुला और लतीफा लेके जाएंगे, कुछ काम की बातें मैं आपको दूंगा। अगर आप गौर से पूरी तकरीर को सुनेंगे, चंद ऐसी बातें आपके सामने बयान करूंगा जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती हैं। और अगर हमने गौर से तकरीर को सुन लिया और हमने इन चीजों से अपने आप को बचा लिया तो इंशाअल्लाह हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होंगे। अब ये सब ना जो करना है कर लो, बाद में कोई तमाशा मत करो। तो हम उन गुनाहों की बात करेंगे जो गुनाह हमारी नेकियों को खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, बर्बाद। उसमें सबसे पहला जो गुनाह है वो क्या है? वो शिर्क। अगर इंसान मुशरिक है, अगर अल्लाह के साथ वो किसी को शरीक कर रहा है, अल्लाह के अलावा किसी और के दर पे सर झुका रहा है, अल्लाह के अलावा किसी और से डरता है, किसी और के ऊपर भरोसा कर रहा है, मुशरिक है एक इंसान। हज करता रहे वो, उमरा करता रहे वो, नमाज पढ़ता रहे वो, अल्लाह क्या उसकी नेकियों का कोई मतलब नहीं। وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ। जो इंसान काफिर हो जाए, जो ईमान का रास्ता छोड़ करके कुफर का रास्ता अपना ले, तौहीद का रास्ता छोड़ करके शिर्क का रास्ता अपना ले, अल्लाह फरमाता है وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, उसके तमाम के तमाम आमाल बर्बाद हो जाएंगे, उसकी कोई नेकी उसके काम नहीं आएगी, मुशरिक का कोई अमल उसके काम आने वाला नहीं।
अल्लाह ताला ने सूरतुल अनाम के अंदर 18 नबियों का जिक्र किया, 18 पैगंबरों का जिक्र किया, और 18 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वलौ अशरकू लहबितानहुम मा कानू यअमलून। हमारे 18 पैगंबर भी अगर शिर्क करते, अगर ये भी शिर्क करते, अगर ये अल्लाह के साथ किसी और को साझी बनाते तो इनकी भी नेकियां बर्बाद हो जाती। हालांकि हम जानते हैं अल्लाह के नबियों ने कभी शिर्क नहीं किया और कर भी नहीं सकते, मगर अल्लाह ताला ने समझाने के लिए कि शिर्क कितनी खतरनाक चीज है, अल्लाह ने फरमाया अगर हमारे नबियों ने भी शिर्क किया होता तो उनकी नेकियां बर्बाद हो जाती। और आगे बढ़िए कुरान का 24वां पारा पढ़िए, सूरह ज़ुमर में अल्लाह फरमाता है वलकद ऊहिय इलैका व इलल लज़ीन मिन क़ब्लिका लइन अशरकत लयहबतन अमलुका वलतकूनन मिनल ख़ासिरीन। ऐ नबी, ऐ मेरे प्यारे नबी, ऐ मेरे प्यारे हबीब, अगर आपने भी शिर्क कर दिया हम ये नहीं देखेंगे कि आप हमारे नबी हैं, हमारे आखिरी नबी हैं, हमारे महबूब नबी हैं, हमारे प्यारे नबी हैं। ऐ नबी अगर आपने भी शिर्क कर दिया आपकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और आप भी अल्लाह ताला के खसारा उठाने वाले, नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। इतना खतरनाक गुनाह है शिर्क, और आज का मुसलमान इसको अपने नाक का मैल समझता है। कितने मुसलमान हैं बड़े आराम से, बड़े धड़ल्ले से शिर्क करते हैं। अल्लाह का शुक्र है आपका इलाका बहुत हद तक सेफ है शिर्क से। आप हमारे यूपी में चले जाएं, हर गली में, हर नगर में आपको कोई ना कोई शिर्क का अड्डा मिलता है। बिहार के अंदर एक इलाका है सहसराम, चले जाइए गया के रूट पर आपको मिल जाएगा। सहसराम के अंदर भी आपको बिहार का शहर है, मगर आपको हर मोहल्ले में दो चार मजारात और कब्रें मिल जाएंगी जहां चादर चढ़ाई जा रही है और लोग वहां जाकर के सजदा करते हैं। कभी आप अगर यहां से दिल्ली जाएंगे, कटिहार से अगर आप दिल्ली का सफर करेंगे और आपकी ट्रेन अगर फैजाबाद और अयोध्या वाले रूट से जा रही होगी, रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है अकबरपुर, आपको कुछ ऐसे मुसाफिर मिलेंगे जो अकबरपुर से उतरेंगे और चढ़ेंगे, उनके हाथ में पानी के ड्रम होंगे। उनसे पूछिएगा भाई इसमें क्या भरा हुआ है, वो कहेंगे कछौचा शरीफ की मजार का पानी भरा हुआ है। मजार को धोया जाता है, कब्र को धोया जाता है, और वो धोया हुआ गंदा पानी वो पानी के ड्रम में भर भर के लाते हैं और ये समझते हैं कि उससे हमारे बीमारों को शिफा मिल जाएगी और उससे हमें बरकत मिलेगी और उससे हमें फायदा मिलेगा। ये आज के मुसलमान का अकीदा है। कर्नाटक में मैं गया, वहां एक शहर है गुलबर्गा। गुलबर्गा में बहुत बड़ा मजार है। जैसे अजमेर में मजार है उनका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का, जिनको गरीब नवाज कहा जाता है, तो गुलबर्गा में बहुत बड़ा मजार है ख्वाजा बंदा नवाज का, उनको बंदा नवाज कहा जाता है। मेरा प्रोग्राम था गुलबर्गा में, लोगों ने कहा मौलाना आइए आपको जरा बंदा नवाज की दरगाह की सैर करा देते। मैंने कहा चलो भाई हम भी देख लेते। गए दरगाह के अंदर। अच्छा मैं किसी शहर में जाता हूँ तो जानबूझ करके ऐसी जगहों पर जाकर के देखता हूं, खुशी के मारे नहीं, अल्लाह की कसम मुझे खुशी नहीं होती। मैं ये सोच करके जाता हूं और ये मैं महसूस करके जाता हूं कि मैं जहां जा रहा हूं वहां जाकर के मुझे तकलीफ होगी, मेरे दिल को तकलीफ होगी, फिर भी मैं देखना चाहता हूं कि इंसान एक मुसलमान किस हद तक आज गिर चुका है। अभी बरेली में गया था तो बरेली में भी अहमद रजा खान जिनको आला हजरत कहा जाता है उनकी कब्र पर भी मैं गया और पूरा एक गली है शिर्क से भरी हुई है और दुकानों पर हर चीज पर जो है रजा लिखा हुआ है और वहाँ अल्लाह का नाम कम लिया जाता है और रजा का नाम ज्यादा लिया जाता है। बरेली के अंदर अभी दो महीना पहले मेरा प्रोग्राम था, एक महीना पहले वहाँ मैंने ये मंजर देखा, और दो तीन साल पहले जब मैं कर्नाटक में गया गुलबर्गा में और बंदा नवाज की दरगाह के अंदर मैं गया तो वहाँ मैंने देखा एक छोटी सी कब्र है। मैंने पूछा भाई ये छोटी सी कब्र किस चीज की, लोगों ने बताया कि ख्वाजा साहब की बेटी ने एक बिल्ली पाली थी, ये बिल्ली की कब्र। अब सोचो बिल्ली की कब्र है, बाकायदा पक्की कब्र है, मजार है, उस पर भी चादर चढ़ी।
थोड़ा और आगे बढ़ा, एक और छोटी सी मजार नजर आई। मैंने पूछा भाई ये तो और छोटी मजार है, किसकी मजार है? कहा मौलाना साहब, खाजा साहब की बेटी ने एक तोता पाला था, तोते की मजार है। मैंने कहा इस तोते की मजार का क्या काम है? कहा अगर किसी बच्चे की जुबान में लुकनत होती है, बच्चा ढंग से बोल नहीं पाता है, बच्चा तोतला होता है, उसकी माँ यहाँ पे आती है और देसी घी इस कब्र के ऊपर चढ़ाती है और चीनी चढ़ाती है, बच्चा सही हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अकीदा है मुसलमान का। तोते और बिल्ली और कुत्ते और घोड़े और गधे की कब्रों पर सजदा हो रहा है मेरे भाई। और उसके बाद हम कहते हैं ऐ अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं हो रही है? फलस्तीन में हम पर जुल्म क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान में हम पर जुल्म क्यों हो रहा है? और फला जगह हम पर जुल्म क्यों हो रहा है? मेरे भाइयों, अल्लाह ने मदद का वादा तब किया था जब हम उस एक अल्लाह की तौहीद पर कायम रहे, हम शिर्क करते रहे, हम अल्लाह को नाराज करते रहे, हम अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह के दर पर पेशानी झुकाते रहे, और हम ये एक्सपेक्ट करें, ये उम्मीद करें, ये आशा करें कि अल्लाह मदद नाजिल करेगा। खबरदार, अल्लाह की मदद मुशरिकों को नहीं मिलती, अल्लाह की मदद अहले तौहीद। ये पहला गुनाह है जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देता है। मेरे भाई, अगर हमने शिर्क कर लिया, हमारी सारी नेकियां बर्बाद कर दी। अब यहां पर एक मसला और समझ लो। एक आदमी मुसलमान है, अब वो मुसलमान से काफिर हो गया। जैसे अभी बहुत सारी मुसलमान लड़कियां हो रही हैं, किसी गैर मुस्लिम लड़के से उनको प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। गैर मुस्लिम लड़के ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ साथ अपना मजहब छोड़ करके मेरा मजहब कबूल करना पड़ेगा। लड़की का नाम आयशा है, लड़की का नाम जैनब है, लड़की का नाम फातिमा है, लड़की का बाप मुसलमान, लड़की की माँ मुसलमान, लड़की खुद मुसलमान, लेकिन प्यार के छासे में आकर, मोहब्बत के छासे में आकर अपने गैर मुस्लिम आशिक के लिए लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, अपना मजहब तब्दील कर लिया, इस्लाम को छोड़ दिया। हो रहा है कि नहीं? बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है, आपके कटिहार और किशनगंज से लेकर के मुंबई जैसे शहरों तक। शायद आपकी नजर ना हो, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें आपको, ये हो रहा है। मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, अंजाम क्या होगा? कुरान का दूसरा पारा उतारा وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ। जो भी मुर्तद हो जाएगा, जो इस्लाम को छोड़ करके कोई और मजहब को कबूल कर लेगा, जो इस्लाम को छोड़ करके कोई और धर्म स्वीकार कर लेगा और उसी हालत में वो मर जाएगा, अल्लाह का ऐलान है वो दुनिया में भी खसारा उठाएगा और आखिरत में भी खसारा उठाएगा, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। मुर्तद का ठिकाना जहन्नम है। इस्लाम को छोड़ करके कोई और मजहब कबूल करने वाला, इस्लाम के अंदर आने के बाद कोई और मजहब कबूल करने वाला, उसकी कोई नेकी अल्लाह ताला क्या काम नहीं देगी, वो बर्बाद हो जाएगा। भाइयों, और आज अफसोस की बात है, हमारी कितनी मुसलमान बहनें हैं और कितने मुसलमान हमारे भाई हैं जो आज मुर्तद हो रहे हैं। और मुझे एक बात कहने दीजिए, बहुत बहुत बड़ा इलाका है सीमांचल का और बहुत बड़ी तादाद में आपकी बरादरी है यहाँ पे। अगर अपनी आने वाली नस्लों की ईमान मान कर आप करें, ये साल में हजारों जलसे आप करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जलसे होने चाहिए, तकरीरें होनी चाहिए, मगर तकरीर साल में एक बार होती है। मेरे भाई, आपके बच्चों को दीन की तालीम कंटिन्यू मिलनी चाहिए। आपका बच्चा, आपकी बच्ची गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, आपकी लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, उसे दीन के नाम पर कोई मालूमात नहीं है,
और उसे कोई दिल की बात बताने वाला नहीं। उसने कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा, कभी मौलाना साहब से उसने नहीं पढ़ा, कभी कुरान नहीं पढ़ा, कभी हदीस नहीं पढ़ी। आपका वो लड़का और लड़की कल जब जवान होगा तो मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से धीरे धीरे उसके दिमाग को दीन से दूर कर दिया जाएगा, अल्लाह से दूर कर दिया जाएगा। और इस बात का डर है कि आपकी आने वाली नस्लें दीन से दूर हो जाएंगी। इसलिए अपने बच्चों की फिक्र करो, अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र करो, अपने बच्चों को तौहीद सिखाओ, अपने बच्चों को शिर्क से बचाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वजुनुबनी व बनिया अन्ना बुदल अस्नाम, ऐ अल्लाह तू मुझे और मेरे बच्चों को शिर्क से बचाना, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को शिर्क कभी न करने देना, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को तौहीद के ऊपर कायम रखना। इब्राहिम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह के खलील दुआ कर रहे हैं। और आगे बढ़िए, अभी आजकल आप एक लफ्ज बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, इसराइल। ये इसराइल इसका नाम, मैं उलमा से नहीं पूछता, अवाम से पूछता हूं। अवाम में से कोई बताए इसराइल किसका नाम? बोलो भाई, बहुत तकरीर सुनी आप लोगों ने, उलमा जवाब नहीं देंगे, आम आदमी जवाब दे, इसराइल किसका नाम है? किसका नाम है? बोलो भाई, कोई बताए इसराइल किसका नाम है? किसका नाम था? नहीं, और कोई बताए इसराइल किसका नाम था? क्या तकरीर सुनते हो भाई, इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम था, हजरते याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल था, और उन्हीं के 12 बेटों से 12 कबीले बने थे जिनको बनी इसराइल कहा जाता है। और ये जो यहूदी है ये उसी नस्ल से चले आ रहे हैं, इसीलिए इन्होंने अपनी जो इनको इन्होंने जो मुल्क बनाया उसका नाम अपने बाप के नाम पे इसराइल के नाम के नाम पर। तो इसराइल कोई खराब नाम नहीं है, ये तो नबी का नाम है, ये तो नबी का नाम है। ये अलग बात है कि इतने बड़े नबी के नाम पर इन्होंने अपने देश का नाम बनाया और जबरदस्ती फलस्तीनियों के मुल्क पर कब्जा करके बनाया, और फिर धीरे धीरे उनके और भी इलाकों पर कब्जा करते चले गए। और आज जिनकी जमीन पर कब्जा किया और जिनके देश में इनको आज से 60-70 साल पहले पना मिली, वही ये जुल्म और सितम कर रहे हैं, फलस्तीनियों को मार रहे हैं। और आज आप देखें एक हॉस्पिटल पर इसराइल ने हमला किया है और हॉस्पिटल में 500 लोगों के मरने की खबर आ रही है, और जो लोग मरे हैं उनकी लाशें आप देखेंगे तो शायद आप अपने आंसुओं को रोक रो पाएंगे। भाइयों, अल्लाह हमारे भाइयों की मदद करे, बस हम ये दुआ कर सकते हैं। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल, उनके 12 बेटे थे, और उन्हीं 12 बेटों में 2 बेटे अलग मां से थे और 10 बेटे अलग 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 मां से थे। जो 2 बेटे अलग मां से थे, एक बेटे का नाम था यूसुफ और दूसरे बेटे का नाम था बिन्यामीन। अभी इसराइल का जो राष्ट्रपति है उसका नाम भी क्या है? नितिन बिन्यामीन। वो बिन्यामीन जो बोलते ना वही बिन्यामीन है, तो बिन्यामीन के नाम पर भी अपने बच्चों का नाम बोला। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जब आखिरी टाइम आया, उनके मरने का टाइम आया, तो उन्होंने अपने 12 बच्चों को बुलाया। हमारे यहां जब किसी के मरने का टाइम आता है तो बच्चों को बुला करके वो क्या पूछता है? अपनी जमीन के बारे में बात करता है, अपनी जायदाद के बारे में बात करता है, अपने रुपये पैसे के बारे में बात करता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम में अपने 12 बेटों को उन्होंने बुलाया। कुरान कहता है, अम कुंतुम शुहदा इज हजर याकूब अल मौत इज काला ले बनी मा ताबुदून मिन बादी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 12 बेटों से सवाल किया, ऐ मेरे बच्चों बताओ तुम मेरे मरने के बाद किसकी इबादत करोगे? कालू नाबुदू इलाह व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहा वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। 12 बेटों ने जवाब दिया, ऐ अब्बा जान हम आपके मरने के बाद उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते हैं और जिसकी इबादत हमारे बाप दादा किया करते थे।
हमारे यहाँ कोई बाप अगर पूछे अपने बच्चों से तो लोग मजाक उड़ाएंगे, यार ये कौन सा सवाल है कि मेरे बाप किसकी इबादत करो। मगर याकूब अलैहि सलाम अपने 12 बेटों से ये वसीयत करके जा रहे हैं, मेरे बाप किसकी इबादत करो। पता ये चला अपनी आने वाली नस्लों की तौहीद की हिफाजत करना, उनके अकीदे की हिफाजत करना, ये हमारी जिम्मेदारी है मेरे भाई। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन मदरसों को हकीर मत समझो। ये मदरसे हैं तो तुम्हारा ईमान महफूज है, ये मदरसे हैं तो कुरान कुरान करीम की अल्लाह हिफाजत कर रहा है, ये मदरसे हैं तो तुम्हारी हदीसें महफूज हैं, ये मदरसे हैं तो तुम्हारा वजूद महफूज है। जिस दिन ये रहे सहे मदरसे भी खत्म हो गए, अल्लाह की कसम तुम्हें ईमान और इस्लाम बताने वाला। तो ये पहली चीज है मेरे भाइयों जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती है। अगर कोई शिर्क करेगा तो उसकी सारी नेकियां बर्बाद। और आगे बढ़िए, नेकियों को बर्बाद कर देने वाली दूसरी चीज रियाकारी, दिखावा। एक इंसान अगर दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है, दिखावे के लिए रोजा रखता है, दिखावे के लिए हज करता है, दिखावे के लिए दान खैरात करता है, कोई भी काम वो दिखावे के लिए करता है, उसकी वो नेकी अल्लाह ताला क्या बर्बाद कर दी जाए। कुरान का 30वां पारा उठाओ, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीनहुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीनहुम युराऊन वयमनऊन अलमाऊन। बर्बादी है, वैल है, जहन्नम है नमाज पढ़ने वालों के लिए, जो नमाज तो पढ़ते हैं मगर अल्लाह ताला के लिए नहीं पढ़ते, किसी को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, किसी को शो करने के लिए पढ़ते हैं। नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि गांव वालों की नजर में नेक बन जाएं, मोहल्ले वालों की नजर में नेक बन जाएं। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीनहुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, अल्लज़ीनहुम युराऊन, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, चंदा देते हैं, आप स्टेज पर नाम बोला जाता है, कोई हर्ज की बात नहीं, बोला जा सकता है, लेकिन आपके दिल में क्या चल रहा है? अगर आपके दिल में ये चल रहा है तो मौलवी साहब मेरे नाम का ऐलान करें, दुनिया को पता चल जाए मैंने 1,00,000 चंदा दिया, अल्लाह को खुश करने के बजाय पब्लिक को खुश करने की अगर नीयत है तो कान खोल करके सुन लो, आपका दान, आपका चंदा, आपकी जकात, आपकी खैरात बर्बाद हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिल्मन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युन्फिकु मालहू रिआ अन्नास। ऐ ईमान वालों, जब सदका किया करो, जब दान दिया करो तो एहसान मत जता के दिया करो, तकलीफ दे करके मत दिया करो। कल्लज़ी युन्फिकु मालहू रिआ अन्नास, जैसे वो लोग अल्लाह की राह में दान देते हैं जो लोगों को दिखाने के लिए देते हैं, जो अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखते, जो कयामत के दिन के ऊपर ईमान नहीं रखते, वो तो बस लोगों को दिखाने के लिए दान खैरात करते हैं। अगर आपकी दान खैरात लोगों को दिखाने के लिए है तो मेरे भाइयों, आपका पैसा अल्लाह ताला के काम नहीं आएगा, आपकी नेकियों के अकाउंट में वो नेकी नहीं लिखी जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत के दिन सबसे पहले तीन लोगों का फैसला किया जाएगा। इन अव्वलन नास युक्ला यौमल कियामा, कयामत के दिन सबसे पहले तीन लोगों का फैसला किया जाएगा। सबसे पहला इंसान जो दुनिया में अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, जो जंग के मैदान में लड़ रहा था, जंग के मैदान में लड़ते लड़ते शहीद हुआ था, उसको अल्लाह ताला बुलाएगा, उससे अल्लाह पूछेगा, मैंने तुझको ताकतवर बनाया, मैंने तुझको बॉडी बिल्डर बनाया, मैंने तुझको लड़ने का हुनर सिखाया, तूने क्या किया? देखो, बॉडी इंसान के शरीर का मजबूत होना ये भी बहुत बड़ी नेमत है। ये जो हमारे नौजवान गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो ये तो ऐसे ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अपनी बॉडी को कमजोर कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी तेजी में अभी बनारस में हमारे एक दोस्त थे, अभी उनका मैसेज आया, कह रहे थे 1 महीने में मौलाना कैंसर के 10 केस मैंने अपनी आंखों से देखे।
अपनी जान पहचान के अपने रिश्तेदारों में मैंने 10 केस कैंसर के देखे हैं, और जिसमें कई केस ऐसे लोगों के हैं जो गुटखा खाते थे, जो सिगरेट पीते थे, जो पान खाते थे। मेरे नौजवान साथियों, अपने शरीर के ऊपर जुल्म मत करो, अपने जिस्म के ऊपर जुल्म मत करो। ये सिगरेट, ये बीड़ी, ये गुटखा, ये नशा तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद कर रहा है, और अल्लाह की कसम तुम्हारी दुनिया को भी बर्बाद कर रहा है। इस नशे के जरिए आप अपने शरीर को बर्बाद। गौर कीजिए, अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, अल्लाह कयामत के दिन बुलाएगा, अल्लाह पूछेगा मैंने तुझे बॉडी बिल्डर बनाया, तुझे ताकतवर बनाया था, तूने बॉडी का क्या किया, तूने शरीर का क्या किया। बंदा कहेगा अल्लाह कातल तूफी का, मैं तेरे रास्ते में लड़ता रहा, जंग करता रहा, जिहाद करता रहा, हत्तस्तुशी तो यहाँ तक के मैं शहीद कर दिया गया। आय अल्लाह मैं तेरी राह में शहीद कर दिया गया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोल रहा है, तू इसलिए लड़ रहा था ताकि दुनिया वाले ये कहें कि बड़ा बहादुर आदमी है, बड़ा वीर आदमी है, बड़ा जबरदस्त आदमी है, तू दुनिया को दिखाने के लिए लड़ रहा था। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको चेहरे के बल घसीट करके जहन्नम में डाल दिया जाए। गौर करो रियाकारी का अंजाम कितना खतरनाक होता है। अल्लाह की राह में लड़ने वाला और शहीद हो जाने वाला जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी नीयत गड़बड़ थी, उसकी नीयत में खोट था वो लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर एक आदमी आएगा, ये बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा मुकर्रर था, बहुत बड़ा कुरान का हाफिज था। अल्लाह पूछेगा मैंने तुझे कुरान का आलिम बनाया, मैंने तुझे कुरान का टीचर बनाया, मैंने तुझको आलिम बनाया, तूने क्या किया। बंदा कहेगा अल्लाह मैं तेरे किताब को पढ़ता रहा, मैंने कुरान को पढ़ा और पढ़ाया, मैं रात तो दिन कुरान को पढ़ता रहा। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोल रहा है, तू कुरान को इसलिए पढ़ता था ताकि दुनिया तुझे कारी कहे, तू अपने इल्म की शोहरत चाहता था, तू इसलिए कुरान पढ़ता था ताकि तू फेमस हो जाए, तू मशहूर हो जाए। अल्लाह, सोशल मीडिया का दौर, शोहरत का फितना सबको घेरे हुए है मेरे भाइयों। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। अल्लाह के नबी कह रहे हैं वो आलिम जो दुनिया में शोहरत के लिए इल्म हासिल कर रहा था और शोहरत के लिए कुरान पढ़ रहा था, पढ़ा रहा था, उसको भी अल्लाह ताला घसीट करके जाके 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 फिर तीसरा आदमी लाया जाएगा। ये बहुत बड़ा मालदार था, बहुत बड़ा मिलेनियर और बिलेनियर था, बहुत बड़ा पैसे वाला इंसान था। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे मैंने तुझको करोड़पति बनाया, अरबपति बनाया, खरबपति बनाया, तूने दौलत का क्या इस्तेमाल किया। बंदा कहेगा अल्लाह मैं दौलत को गरीबों में बांटता रहा, चंदा देता रहा, मदरसे में देता रहा, यतीमों को देता रहा, गरीबों को देता रहा। अय अल्लाह जहाँ पर भी पता चला कि वहाँ पैसा देने से तू खुश होता है, वहाँ मैंने पैसा किया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोल रहा है, तूने पैसा इसलिए नहीं दिया ताकि अल्लाह राजी हो जाए, तूने पैसा इसलिए दिया ताकि दुनिया वाले कहे बड़ा दान करता है, बड़ा देने वाला है, बड़ा सखी है, बड़ा फयाज है, तूने शोहरत के लिए दिया था। और उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस इंसान को भी घसीट करके जहन्नम में डाल दिया। मेरे भाइयों रियाकारी से बचो, कोई भी नेकी करो अल्लाह के लिए करो, रियाकारी के लिए मत करो। आज तो वो हालात हैं, गरीब को कंबल दिया जा रहा है तो पहले गरीब की इज्जत को फेसबुक पर बेचा जा रहा है, किसी औरत को राशन दिया जा रहा है, बेचारी शर्माती हुई लज्जाती हुई आती है, आंचल से अपना मुंह छुपा रही है और कैमरा पूरा फोकस किए हुए है, कैमरे में औरत का वीडियो बनाया जा रहा है और फिर उसके बाद उसको इंटरनेट पर चलाया जा रहा है। देखो मैं गरीब औरतों को राशन पहुंचाता हूं, मैं बेवा औरतों को राशन पहुंचाता हूं। नहीं मेरे भाई, किसी गरीब की इज्जत उतारे बगैर भी तो उसकी मदद हो सकती है, किसी गरीब की खुददारी को तकलीफ पहुंचाए बगैर भी तो उसकी मदद हो सकती है। कुरान का 29वां पारा, अल्लाह के नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं,
क्यों खिलाते हैं? इसलिए नहीं कि वीडियो बन रहा है, इसलिए नहीं कि फोटो खींचा जा रहा है। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। कहते हैं मेरे भाई, हम तो तुम्हें इसलिए खाना खिला रहे हैं ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हमें तो कयामत के दिन का डर है, कयामत के दिन कोई किसी के काम ना आएगा। हमें तो कयामत के दिन का डर है, हमें तो अल्लाह का डर है, इसलिए हम तुमको खाना खिलाते हैं। आज दौर बदल गया। आज पहले के दौर में मुहावरा था, कहावत थी, नेकी कर दरिया में डाल, यानी नेकी करके भूल जाओ। कहाँ कहाँ नेकी किया, नेकी कर दरिया में डाल, जब दरिया में डाल देंगे तो भूल जाएंगे। आज उल्टा मामला, नेकी कर यूट्यूब के ऊपर डाल, नेकी कर फेसबुक के ऊपर डाल, नेकी कर स्टेटस पर डाल, नेकी कर इंस्टाग्राम पे डाल, नेकी कर सोशल मीडिया पर डाल। अब तो नेकी का प्रचार जहां जहां हो, तब तक इंसान के दिल को सुकून नहीं मिलता है। मेरे भाइयों, रियाकारी से अपने दामन को बचा लो। कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला बुलाएगा रियाकारी करने वालों को, दिखावा करने वालों को बुलाएगा, और अल्लाह कहेगा कि ऐ मेरे बंदो, तुमने नमाज किसके लिए पढ़ी? तुमने नमाज जिसके लिए पढ़ी थी, जाओ उसी से सवाब ले लो। मेरे पास सवाब की उम्मीद मत रखना। तुमने नमाज मेरे लिए नहीं पढ़ी थी, तुमने रोजा मेरे लिए नहीं रखा था, तुमने दान खैरात मेरे लिए नहीं किया था, जिसके लिए किया था जाओ उससे सवाब ले लो, मुझसे सवाब की उम्मीद मत। तो ये दूसरी बड़ी खतरनाक चीज है मेरे भाई, रियाकारी, जो हमारी नेकियों को खत्म कर देती है, हमारी नेकियों को नष्ट कर देती है। तीसरी चीज जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती है, उसको कहा जाता है बिदअत। दीन के अंदर नया काम, रबीउल अव्वल का महीना आया, 12 रबीउल अव्वल की तारीख आई, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई वो एक तीजी के साथ नहीं रखा जाएगा, क्योंकि नमाज न पढ़ने वाला काफिर है, नमाज को जानबूझ करके छोड़ने वाला काफिर है। ये सऊदी अरब के बहुत बड़े मुफ्ती का फतवा है। चलो ठीक है, हम इतनी सख्त बात नहीं कहते, हम कहते हैं नमाज छोड़ने वाला काफिर नहीं है अगर वो नमाज को फर्ज मानता है, नमाज को जरूरी मानता है। अगर लापरवाही की वजह से वो नमाज नहीं पढ़ता है, काफिर तो नहीं है, मगर मेरे भाइयों गुनहगार तो है, और बहुत बड़ा गुनहगार है। और आज अफसोस की बात यह है, हम दावा ये करते हैं कि हम नबी के चाहने वाले हैं, हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी के लिए जान दे देंगे। अरे तुम क्या नबी के लिए जान दोगे, तुम क्या नबी से मोहब्बत करोगे? तुम्हें नबी से मोहब्बत होती तो तुम नमाज ना छोड़ते। मेरे नबी को नमाज से बहुत प्यार था। अल्लाह के नबी कहा करते थे, जुइलत कुर्रतु अईनी फिस्सला, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और अपनी वफात के पहले, अपने इंतकाल के पहले अल्लाह के नबी दुनिया से ये कहकर गए, अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम, ओ लोगो नमाज की पाबंदी करते रहना, नमाज का ख्याल करते रहना, नमाज जानबूझ करके कभी मत छोड़। तो नमाज छोड़ने वाला भी बहुत बड़ा गुनहगार है, और वो अपनी नेकियों को खतरे में डाल रहा है, इस बात का डर है कि उसकी नेकियां बर्बाद हो। और आगे 11 चीजें मैं बयान करके बात खत्म कर दूंगा, अभी 4 चीजें। नंबर पांच, हमारी नेकियों को बर्बाद कर देने वाली पांचवी चीज, हुकूकुल इबाद में कोताही। अगर आपने किसी का हक मारा होगा, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया होगा, किसी का माल नाजायज तरीके से हड़प लिया होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में सबसे गरीब आदमी, सबसे फकीर आदमी, सबसे मुफलिस आदमी वो होगा जो कयामत के दिन नमाज लेकर के आएगा, रोजा लेकर के आएगा, जकात लेकर के आएगा, हज लेकर के आएगा, बहुत सारी नेकियां लेकर के आएगा। वयाति कद शतम हाजा व कदब वो अकल माला हाजा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी का हक मारा होगा, किसी का माल हड़पा होगा, किसी की जमीन पर कब्जा किया होगा, उसकी सारी नेकियां
उसके उन तमाम हकदारों को दे दी जाएगी जिनका उसने हक मारा था। और जब उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हकदारों के गुनाह इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे, और जो दुनिया से नेकी लेकर के गया था उसके ऊपर दूसरों के गुनाह लाद दिए जाएंगे और वो जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। मेरे भाइयों, बड़ा खतरनाक मसला है हुकूक उल इबाद का। किसी का हक मत मारना, किसी का हक मत मारना। दुनिया की अदालत में हो सकता है आप केस जीत जाएं, वकील को खरीद लें, जज को खरीद लें, पुलिस वालों को खरीद लें, हो सकता है दुनिया में आप बेईमानी कर लें, मगर कान खोल करके सुन लो, अल्लाह की अदालत में कोई बेईमानी नहीं कर सकता। अल्लाह की अदालत में कोई रिश्वत नहीं चलेगी, अल्लाह के फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन कानत इंदहु मज़लमतुन लि अखी, अगर अपने भाई पर जुल्म किया है तो दुनिया में उससे छुटकारा पा लो, वरना आखरत की करेंसी रुपया पैसा नहीं होगी, आखरत की करेंसी तुम्हारी नेकियां और तुम्हारे गुनाह होंगे। अगर तुमने दुनिया वालों का हक मारा होगा, तुम्हारी नेकियां उनको दे दी जाएंगी और उनके गुनाह तुम्हारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, हुकूकुल इबाद के मामले में बहुत होशियार। आज भाई भाई का हक मार रहा है, आज कितने बाप हैं अपनी औलाद का हक मार रहे हैं, कितने बाप है अपनी बेटियों को, कितने भाई हैं अपनी बहनों को, जायदाद में वरासत में महरूम कर देते हैं, सारी जायदाद बेटों के नाम लिख देते हैं ताकि बेटी वारिस ना हो जाए, कितने भाई हैं अपनी बहनों का हिस्सा और हक खा जाते हैं। मेरे भाइयों, याद रखो हुकूकुल इबाद का मामला बहुत खतरनाक है। अगर आपने किसी का हक मारा होगा, कल कयामत के दिन आपको जवाब देना पड़ेगा और आपकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और आपके जिम्मे उस इंसान के गुनाह डाल देंगे। पांच चीजें हो गई। नंबर 6, शराब पीना, यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। शराब पीने वाले की नमाज भी कबूल नहीं होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन शरिबल खमरा ला तुक्बलु लहू सलातु अरबईन सबाहा, जो शराब पीता है उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। शराब पीने वाले की 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं होगी जब तक वो अल्लाह ताला से सच्ची तौबा न कर ले, उसकी 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं होगी। इतना बड़ा गुनाह है शराब पीना। आज मुसलमान बड़े शौक से शराब पी रहा है। शराब के अड्डों पे चले जाओ, आपको मुसलमान ज्यादा नजर आ जाएंगे। मेरे भाइयों, शराब से बचो, नशे से बचो। ये नशा आपकी नमाजों के लिए, आपकी इबादत के लिए बहुत घातक है। शराबी की 40 दिन तक की नमाज को बोलने और जब इंसान शराब पीता है, जब नशे की हालत में होता है, वो अपनी माँ को माँ नहीं समझता, अपनी बहन को बहन नहीं समझता, वो अपनी माँ के साथ क्या क्या दे, बहन के साथ क्या क्या, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि अल खमरु उम्मुल खबाइस, शराब तमाम गंदगियों की जड़ है, तमाम बुराइयों की माँ है, इसलिए शराब। तो ये छठी चीज है कि हम शराब। सातवीं चीज, हमारी नेकियों को नष्ट कर देने वाली, हमारी नेकियों को बर्बाद कर देने वाली, हमारी नेकियों को खत्म कर देने वाली सातवीं चीज, बीवी का शौहर का हक अदा न करना। शादी हो गई, अब बीवी शौहर का हक अदा नहीं कर रही है, उसका अंजाम क्या होगा? आइए मैं हदीस आपको सुना देता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासतुन ला यक़बलुल्लाहु सलातहुम, तीन लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। उनकी नमाज उनके सर के ऊपर नहीं जाती है, अल्लाह ताला के उनकी नमाज नहीं जाती है, उनकी नमाज नीचे ही रह जाती है, आसमान पर नहीं जाती है। तीन ऐसे बदनसीब लोग हैं। नंबर 1, रजुलुन अमल कौम वहुम लहू कारिहून, एक वो इंसान जो नमाज पढ़ा रहा है जबकि लोग उसको इमाम बनाना नहीं चाहते, लोग उसकी इमामत को पसंद नहीं करते, जबरदस्ती इमाम बना रहा है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा है, लोग नापसंद करते हैं उसकी किसी हरकत की वजह से, लेकिन वो जबरदस्ती पांचों टाइम की नमाज पढ़ा रहा है, जबरदस्ती इमाम बना हुआ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो जबरदस्ती लोगों का इमाम बन जाए, कयामत के दिन उसकी नमाज अल्लाह के कबूल। नंबर 2,
ورجل صلى على جنازه ولم يمر جو کسی کی جنازے کی نماز پڑھا دے جبکہ اس سے کہا نہیں گیا تھا کسی اور سے کہا گیا تھا یہ زبردستی آگے بڑھ کر کے جنازہ پڑھا رہا ہے جنازے کی نماز بغیر اجازت پڑھانے والا اس کے لیے بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی نماز اللہ تعالی کے قبول نہیں اور نمبر 3 وامراۃ دعاها زوجها اور وہ عورت جس کا شوہر اس کو بستر پر بلا رہا ہے جس کا شوہر اپنا حق ادا کرنے کے لیے اس کو بلا رہا ہے فابت اور وہ انکار کر رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر کی بات مانے اور شوہر کا حق ہے کہ وہ بیوی کا حق ادا کرے اگر بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرتی ہے نماز پڑھتی رہے روزہ رکھتی رہے حج کرتی رہے اللہ تعالیٰ کے وہ جنتی نہیں بن سکتی جب تک وہ شوہر کا حق ادا کرے اسی لیے جب ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اللہ کے نبی پوچھتے ازاد زوج انت کیا تم شادی شدہ ہو شادی شدہ ہوں آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو کہتی ہے اللہ کے نبی میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہوں میں خوش رکھتی ہوں اس کو آپ نے فرمایا کان کھول کر کے سن لو انما ہوا جنت کی و نار کی تمہارا شوہر تمہاری جنت ہے اور تمہارا شوہر تمہاری جہنم بھی ہے تم اسے خوش رکھو گی اس کی خدمت کرو گی اس کی اطاعت کرو گی تو جنت میں جاؤ گی اور شوہر کا حق ادا نہیں کرو گی شوہر ناراض کرو گی شوہر کی فرما برداری نہیں کرو گی تو وہی شوہر تمہارے لیے جہنم بن جائے گا آج بہت ساری عورتیں جلسے میں جاتی ہیں تقریر سنتی ہیں رات میں مگر شوہر سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتی شوہر سے سیدھے وہ بات نہیں کرتی ہیں میری ماں اور بہنوں آپ کی نماز آپ کی دینداری بیکار ہے اگر آپ کا شوہر آپ سے خوش نہیں ہے اگر آپ اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھتی ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کرتی اور آگے بڑھیے نمبر 7 چیز جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے عورت کا خوشبو لگا کر کے گھر کے باہر نکلنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يقبل الله صلاة امراة تتطيب لهذا المسجد جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر کے آتی ہے بڑے غور سے سننا میرے بھائیو میری ماں بہنوں اگر پنڈال کے اندر آپ میری باتوں کو سن رہی ہیں تو آپ بھی غور سے سننا جو عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہے اللہ کے نبی اس کے بارے میں فرما رہے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر کے آتی ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا حتی ترجیہ فتغتسلہ غسلہا للجنابہ جب تک کہ وہ گھر جا کر کے غسل نہ کر لے کون سا غسل جو غسل جنابت ہوتا ہے جب عورت ناپاک ہو جاتی ہے ناپاک ہونے کے بعد جو وہ غسل کرتی ہے سر سے پیر تک نہاتی ہے جب تک وہ غسل نہیں کر لے گی خوشبو لگانے والی عورت تب تک اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جب نماز کے لیے آنے والی عورت خوشبو نہیں لگا تو جلسے کے لیے آنے والی عورت خوشبو کیسے لگا عقیقہ اور شادی کی دعوت میں جانے والی عورت دنیا بھر کے پرفیوم اور خوشبو لگا کر کیوں جا رہی اگر نماز کے لیے آنا حرام ہے تو جلسے میں بھی خوشبو لگا کر کے آنا حرام ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ کہیں پر جلسہ ہوا تھا بہت بڑا جلسہ ہوا تھا لاکھوں کا خرچ ہوا تھا مگر جلسے میں مانوس چھلونا مانوس چھلونا آدمی نہیں تھے میں نے پوچھا کیوں نہیں تھے بولے عورتیں نہیں آئیں عورتوں کا انتظام نہیں تھا تو مرد حضرات نہیں آئے پتہ یہ لگا کہ جلسے میں مردوں کی اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اس لیے آ رہی ہے کیونکہ عورتوں کا جمگٹ ہوتا ہے جوان لڑکیاں ہیں خوبصورت کپڑے پہن کر کے سج کر کے سور کر کے جویلری وغیرہ پہن کر کے ڈسٹرائے ہو جائیں گے ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی یہ چند سوالات آئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں ایک سوال آیا ہے کہ ایک ہی گناہ بار بار کر رہے ہیں گناہ کے بعد شرمندہ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ گناہ ہو جاتے ہیں اس کا سولوشن کیا اس کا طریقہ کیا دیکھیے گناہ اگر آپ کر رہے ہیں
और आपको ये एहसास है कि आप गुनाह कर रहे हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, अगर गुनाह के बाद ये एहसास है कि हम गुनाह कर रहे हैं, ये एहसास भी बहुत बड़ी नेमत है। ये एहसास भी बहुत बड़ी नेमत है। अगर गुनाह के बाद इंसान को शर्मिंदगी हो रही है कि मैं गुनाह कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी, इसका मतलब कि इंसान अभी सही रास्ते पर है, अभी ट्रैक पर है, अभी वापस आ सकता है। तो जब भी आपको ये एहसास हुआ, तौबा करो। अब जब आप तौबा करेंगे तो तौबा के अंदर तीन चीजें होना जरूरी है। तौबा का मतलब क्या होता है? आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी को मोड़ लेना, गाड़ी को यू टर्न ले लेना, यही तौबा है। तौबा का मतलब क्या है? आप गलत रास्ते पे जा रहे थे, अब आप सीधे रास्ते पे चले आए, वापस चले, अपने रास्ते पे वापस चले। तो तौबा के अंदर तीन शर्त है। पहली शर्त, इंसान को अपने गलत काम पर शर्म आए, शर्मिंदगी हो। दूसरी शर्त, उस गुनाह को फौरन छोड़ दे। और तीसरी शर्त, आइंदा उस गुनाह को पक्का ना करने का पक्का इरादा करे। आप कमिटमेंट कीजिए अल्लाह ताला से। जब आप तौबा कीजिए ना, तो कमिटमेंट कीजिए। ऐसे हमारे बहुत सारे नौजवान लड़के होते हैं, वो मास्टरबेशन अपने हाथों से जना करते हैं, अपने हाथों से जना करते हैं। और एक बड़ी तादाद में हमारे नौजवान लड़के इस गंदगी में मुब्तला है। और डॉक्टरों की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन हकीमों का कहना है कि ये नौजवान लड़कों की शादीशुदा जिंदगी के लिए ये चीज बड़ी खतरनाक है। जो लड़के इस बीमारी में मुब्तला होते हैं, आगे जब शादी होती है, उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो अगर कोई नौजवान हमारा भाई इस गंदगी में पड़ा हुआ है, मैं बड़े दर्द के साथ उससे कहता हूं, तुम रात में उठो और वजू करके तहज्जुद की नमाज और तहज्जुद की नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करो कि अल्लाह ये गंदी आदत तू मुझे छोड़ा दे। और अगर ये गंदी आदत आपको मोबाइल की वजह से हो रही है, आप कसम खा लीजिए कि मैं रात में ईशा के बाद मोबाइल नहीं चलाऊंगा। आप कसम खा लीजिए कि मैं रात में इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करूंगा। जब तक आप ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे, आप बुराई पर कंट्रोल नहीं पा सकते। शैतान हमारी खून की रगों के साथ दौड़ रहा है, शैतान हम सब के साथ लगा हुआ है मेरे भाइयों, इसलिए हमें अपने आप को मजबूत बनना पड़ेगा। एक सवाल ये आया है कि मिंबर जो है वो पत्थर का होना चाहिए या लकड़ी का? जैसे बहुत सारी मस्जिदों में पत्थर का मिंबर है, जैसे जामिया सल्फिया और जामिया इमाम इब्ने तैमिया में तो मिंबर जो है वो वहां पे पत्थर का बना हुआ है। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पहले जब आप खुतबा देते थे तो लकड़ी के तने पर, और बाद में एक औरत अल्लाह के नबी से ख्वाहिश जाहिर की कि मैं चाहती हूं कि आप इस लकड़ी के तने के बजाय मिंबर पर। और उसने उसका लड़का जो बड़ई का काम करता था, कारपेंटर था, अपने बेटे से कह करके उसने खूबसूरत लकड़ी का मिंबर बनवाया। तो अल्लाह के नबी के दौर में लकड़ी का मिंबर था, मगर अल्लाह के नबी ने कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई थी कि लकड़ी ही कहो, बाद में पत्थर का और इसी तरीके से ईंट और गारे का भी मिंबर हरम में, मस्जिद नबी में और मक्के में इस्तेमाल हुआ और आज भी दुनिया में हो रहा है। तो इसमें कोई मसला नहीं है। लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और पत्थर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको जहाँ जैसी सहूलत हो वो कर सकता है। लकड़ी वाले मिंबर में ये होता है कि फिर उसको जो है संभालना पड़ता है, उसको रखना पड़ता है, और एक बार अगर उसको बाकायदा पक्का बनवा दिया तो फिर कोई मसला नहीं, हमेशा के लिए वो बन जाता है। तो दोनों सूरतें जायज है, उसमें कोई शरीयत की तरफ से पाबंदी नहीं है। एक सवाल ये आया है कि तशहुद की उंगली से कब कब इशारा करना चाहिए? आपकी एक वीडियो में देखा हूं कि आप कह रहे हैं कि तशहुद में जब जब दुआ आए तब तब इशारा करना। बिल्कुल सही आपने सुना है, मैंने वीडियो में ये बात कही और आज फिर कह रहा हूं कि हदीस में यह आता है कि अल्लाह के नबी तशहुद में अपनी उस उंगली से इशारा करते थे, अपनी इस उंगली से इशारा करते थे। अब इशारा जो है, इशारा का मतलब उंगली उठाना। अब उंगली आपको जो उठाना है तो ये उठाने का सिलसिला अत्तहियात से लेकर के सलाम फेरने तक रहेगा, ये पूरे तशहुद में। और हदीस में दूसरा लफ्ज आता है युहर्रिकुहा, अल्लाह के नबी इस उंगली को हरकत देते थे। कब हरकत देते थे? यदउ बिहा, जब आप दुआ करते थे। अब मिसाल के तौर पर आप पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अब ये अल्लाह की तारीफ है, ये दुआ नहीं है। उसके बाद कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये दुआ है। आप नबी पर सलाम पढ़ रहे हैं, दुआ है। अब यहाँ पे आप हरकत देंगे,
والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. अब ये भी दुआ है, यहाँ पे आप हल्की हल्की हरकत दें. उसके बाद अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. ये दुआ नहीं है, इस पर आप उंगली को ऐसे फिक्स रखें. उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद. अब ये दुआ है, पूरा दुरूद शरीफ दुआ है. अब पूरे दुरूद शरीफ के दौरान हल्की हल्की हरकत देंगे. उसके बाद आप दुआ पढ़ते अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन اللهم انی ظلمت نفسی ظلما فاغفر الذنوب لا يغفر الذنوب الا انت. اب یہ پوری دعا ہے اللهم انی ظلمت نفسی ظلما, یہ پوری دعا ہے. اس دعا کے دوران آپ ہلکی ہلکی حرکت کریں اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اب یہ پوری دعا ہے. تو جہاں دعا ہے وہاں آپ انگلی کو حرکت دیں گے. حدیث کی روشنی میں یہی صحیح معلوم ہوتا ہے, اور شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا یہی فتویٰ ہے. لیکن یہ کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی شرط نہیں ہے. اب کوئی عام آدمی ہے, اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے, تو تھوڑا تھوڑا حرکت دیتا رہے, اور جو سمجھدار ہے اور اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ دعا ہے یہاں پہ دعا نہیں ہے, تو جہاں پہ دعا ہے وہاں پہ حرکت دے. یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو لے کر کے بہت بہت پریشان ہوا جائے. تو بہرحال ہمارا آج کا جو موضوع تھا گناہوں, ایسے گناہ جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. ہم نے ایسے گناہوں کو دیکھا ہے, ہم نے اس پر پوری تقریر سنی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آج کے اس پروگرام جن بھائیوں نے محنت کی, کوشش کی, اور جس ادارے کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا, اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے. اللہ اس ادارے سے پڑھنے والے بچوں کو دین کا حافظ اور عالم بنائے. رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق